हेलो फ्रेंड्स, सो प्रीवियस लेक्चर में हम इसी सिचुएशन में थे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था दैट अगर आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं और वो बस जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है आगे, और आप बस में बैठे हुए हैं और आपके हाथ में एक बॉल है और आपने हाथ से बॉल को ऊपर फेंका, तो आपको बताना था कि क्या ये बॉल वापस आपके हाथ में आएगी या आपके आगे गिर जाएगी या आपके पीछे गिर जाएगी। तो इसी चीज़ को हमें डिस्कस करना है। आई होप आपने कुछ सोचा हो इस पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या यहाँ पर हो रहा है। सिंपल फिजिक्स सोचते हैं। आपने बॉल को ऊपर फेंका, तो मान लीजिए ऊपर आपने फेंका तो कुछ वेलोसिटी दी होगी ना आपने ऊपर। तो लेट से आपने जो बॉल को वेलोसिटी दी ऊपर की तरफ, वो लेट से दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड से बॉल ऊपर गई, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप बॉल को देख रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि बॉल ऊपर गई है, ठीक है। अब अगले पल में क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के बाद आप इसी बस में बैठे हुए हैं तो बस तो मूव करी ना आगे तरफ, यानी कि जितना देर बॉल ऊपर जा रही है उतनी देर में आप पहले यहाँ, जब थे मैं एक अलग टाइम पर अगर बनाऊँ तो शायद आप यहाँ पहुँच जाएंगे, थोड़े आप आगे आ गए ना, क्योंकि आप बस में बैठे हुए थे और बस जो है वो सर्टेन वेलोसिटी से आगे जा रही है, तो आप भी थोड़े आगे जाएंगे। तो बॉल को तो आपने ऊपर फेंका है, तो अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये बॉल वापस आपके हाथ में आएगी या पीछे ही गिर जाएगी। अगर हम जस्ट देखें कि हमने सिर्फ बॉल को वेलोसिटी दी 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, तो ये बॉल तो सीधा ऊपर जाएगी, फिर बॉल को सीधा नीचे आ जाना चाहिए, तो आप तो आगे चले गए। इसका मतलब ऐसा लगता है देख करके कि बॉल वापस से क्या होगी, जस्ट आपके पीछे गिर जाएगी, मतलब सीधा ऊपर जाएगी, और फिर जब ऊपर किसी पॉइंट पे जाके क्या होना है, इसका वेलोसिटी ज़ीरो होना है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने सीख ली हैं 1D मोशन में। एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होना है, फिर इससे क्या होगा उसके बाद, फिर ये जस्ट इसी ट्रैक पर पीछे। लेकिन तब तक आप कहाँ हैं? तब तक आप थोड़े से आगे जा चुके हैं ना, यानी कि आप ऐसा लगेगा बॉल सीधा पीछे गिर जाएगी, तो ये देख करके लग रहा है। लेकिन अब सोचिए क्या ऐसा होता है, कभी आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि आपने बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल वापस हाथ में आती है नहीं आती है? आई थिंक अगर आप थोड़ा अपना फ्लैशबैक में जाएं, रियलाइज़ करें इस चीज़ को, जब स्कूल जाते थे या अभी जाते ही होंगे, तो बस में बॉल को हाथ थोड़ा सा ऊपर फेंकें, आप देखिए कि आप बॉल जो है ऑलमोस्ट आपके हाथ में वापस से आ जाती है। इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? इसके पीछे की फिजिक्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो बॉल हमारे हाथ में, जब बॉल हमारे हाथ में, तो हम जिस बस में बैठे हुए थे, मैंने आपको कुछ समझाया था एक कंसेप्ट जिसका नाम था इनर्शिया। आई होप अब शायद आपको कुछ याद आया हो। इनर्शिया के हिसाब से आप जब बस में बैठे हुए हैं तो जो बस की स्पीड है वही आपकी स्पीड है, और वही स्पीड फिर आपके हाथ में जो बॉल है उसकी भी है ना। मतलब अगर जस्ट हम सोचें कि हम हाथ में बॉल लेकर के बैठे हुए हैं, सिर्फ फेंकना होगा बात की बात है, जस्ट हम हाथ में बॉल लेकर के बैठे हुए हैं, तो आपकी स्पीड भी क्या है? आपकी स्पीड भी एग्जैक्टली 20 मीटर पर सेकेंड, और आपके हाथ में ये जो बॉल है इसकी स्पीड भी क्या है? इसकी स्पीड एक्चुअली 20 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। तो ये स्पीड किसकी वजह से है? दैट स्पीड इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम कह सकते हैं, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो बॉल की स्पीड है दैट इज़ ऑलरेडी 20 मीटर पर सेकेंड। ये वो कुछ सोचना ही नहीं है, चूँकि आप बस में, आपके हाथ में बॉल, बस की स्पीड 20, तो बॉल की स्पीड भी 20, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अब अगर आपने बॉल को ऊपर फेंका तो आपने फर्दर एक वेलोसिटी दी ऊपर की तरफ, यानी कि वो हो गई वेलोसिटी बेसिकली अलोंग वाई डायरेक्शन, तो वो हो गई वी वाई, जो आपने दी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब आपने बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल जो ऐसे ही आपके हाथ से बाहर निकली, तो आपने जो उसको वेलोसिटी दी वो तो उसने गेन किया ही, साथ में जैसे ही उसने कॉन्टैक्ट लूज किया, तो हमने क्या सीखा था, बिकॉज ऑफ इनर्शिया वेन एवर एन ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर बॉल है, लीव्स अनदर ऑब्जेक्ट, जो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, वो आप हैं, इट ऑलवेज कैरीज अवे द वेलोसिटी, वो वेलोसिटी को कैरी करता है, साथ लेकर चलता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, यानी कि वो इनर्शिया की वजह से उसकी वेलोसिटी जब निकलेगी हाथ से, तब निकलेगी वो 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग एक्स, और चूंकि आपने ऊपर फेंका है तो 5 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग वाई। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो बॉल है इसको इधर भी एक वेलोसिटी मिल रही है और इसको इधर भी एक वेलोसिटी मिल रही है, ये है 20 और ये है 5, ठीक है। यानी कि बॉल हमें दिखाई देगा कि बॉल ना ही
सीधा ऊपर जा रही है ना ही इधर जा रही है, बॉल जाएगी कुछ ऐसे एट सम एंगल इन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे टू डायमेंशनल मोशन इन वर्टिकल प्लेन। अभी तक हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे थे इसलिए मैं एक्स और जेड का ही डिस्कस कर रहा था। इन वर्टिकल प्लेन विच लीड्स टू आवर फर्स्ट मेजर टॉपिक दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप आप सब ने ये नाम सुना है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ से समझिए कि आपके प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल अब क्या है, वो एक्स के लॉन्ग भी आ रहा है वाई के लॉन्ग भी जा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच से जाएगा। अब उस पर ग्रेविटी काम करेगी और इस चीज़ को हमें अच्छे से समझना है कि होगा क्या। तो अब हम क्या करते हैं, हम पहले अभी प्रोजेक्टाइल मोशन समझते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम समझ जाएंगे अच्छे से, फिर आएंगे हम इसी क्वेश्चन पर वापस, और तब आप बहुत आसानी के साथ पूरे सिचुएशन को रियलाइज़ कर पाइएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली इतना हमने समझ गया ना कि बिकॉज ऑफ इनर्शिया इसको कुछ वेलोसिटी मिलेगी इधर, और आप जो फेंक रहे हैं वो वेलोसिटी वैसे जाएगा वो ऊपर, तो इफेक्टिवली वो किधर जाएगा, वो जाएगा कुछ ऐसा ना इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन पर हम लोग वापस आएंगे इस लेक्चर के एंड पे। तो फिलहाल अभी हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। हमारे पास एक पार्टिकल है जिसको कि हम वेलोसिटी दे रहे हैं कुछ एक एंगल पर, दैट एंगल इज थीटा। वेलोसिटी हमने दी इसको u, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो जब हम बीच में फेंकते हैं तो टेक्निकली हमने क्या किया, टेक्निकली ये हुआ कि हमने इसे एक वेलोसिटी दी अलोंग x भी और एक वेलोसिटी दी अलोंग y भी। ये x वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, x वाली वेलोसिटी हो जाएगी सिंपली u x लिखेंगे हम, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर में हमने सीखा है दैट विल बी कॉम्पोनेंट ऑफ u अलोंग x एक्सिस, वो कितना होगा, दैट विल बी u cos थीटा, ठीक है। और जो u y होना है वो क्या होना है, वो इसके अलॉन्ग होना है, दैट विल बी u sin थीटा। आई होप ये चीज आपको वेक्टर से पता है। ठीक है, मैं इसको इधर से लिख देता हूँ, दैट यू वाई विल बी यू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो यही चीज अभी हम जस्ट पहले देख रहे थे कि हमने एक पार्टिकल को एक्स के लॉन्ग भी कुछ वेलोसिटी दे दी, वाई के लॉन्ग भी कुछ वेलोसिटी दे दी। तो इफेक्टिवली उसको हम क्या कह सकते हैं कि हमने वेलोसिटी दी एट सम एंगल जिसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक्स अलग है वाई अलग है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये पार्टिकल जो इस तरह से एक एंगल पर फेंका जाता है वो कुछ ऐसा जाता है, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो ट्रैक है ये ना ही सर्कुलर ट्रैक है ना ही ये स्ट्रेट लाइन है। ये जो ट्रैक है, हम इस मोशन के एंड पे देखेंगे कि ये जो ट्रैक होता है दिस इज बेसिकली पैराबोला, ठीक है। पैराबोलिक पाथ होता है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इक्वेशन होता है, हर एक चीज़ हमको एकदम डिटेल में समझनी है। सो हैव पेशेंस एंड जस्ट ट्राई टू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। आप सोचिए कि हमने एक एंगल पर फेंका, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, एक एंगल पर हमने फेंका तो जाहिर सी बात है एंगल फेंके हैं तो ये एक्स के लॉन्ग भी जाएगी और वाई के लॉन्ग भी जाएगी, इसलिए इन दोनों के बीच से जा रही है। तो जब ये बीच से जा रही है तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, मान लीजिए हम इस पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो जब हम इस पॉइंट पर पहुंचे, यहां से हम स्टार्ट किए पॉइंट ओ से, हम किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंचे, इस पॉइंट पर भी इसके पास क्या है, दो वेलोसिटीज हैं, है ना, दो वेलोसिटी हैं, एक्स के लॉन्ग अभी भी जा रहा है, वाई के लॉन्ग अभी भी जा रहा है। तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी अलोंग एक्स है यू एक्स, वो क्या आपको लगता है क्या होगा उस टाइम पे, मतलब इस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी है, लेट्स से ओवरऑल वेलोसिटी कुछ डिफरेंट होगी, हमने u से स्टार्ट किया था, इस पॉइंट पर ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी, कुछ डिफरेंट होगी, मान लीजिए होगी v। तो इस पॉइंट पर जो x के लॉन्ग वेलोसिटी है वो कितनी होगी, अभी ये ट्रैक जो एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, मान लीजिए अल्फा,
इसके अलावा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वी कॉस ऑफ अल्फा, और वाई के लॉन्ग क्या हो जाएगी, वाई के लॉन्ग ये टर्म हो जाएगा वी साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। ये अल्फा आपको समझ में आया? मैं चलिए मैं एक बार एक बड़ा फिगर देख बना के दिखाता हूँ। ऐसा कुछ, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। हमने स्टार्ट किया था इस एंगल पर एट एंगल थीटा। आपको नहीं लगता कि जब हम थोड़ा सा ऊपर चले गए, मान लीजिए यहाँ पहुँच गए, तो उस पॉइंट पर जो ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो किसी भी पाथ में जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, कोई भी ट्रैक हो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का हमेशा मतलब होता है उस ट्रैक पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इसके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक इधर एक इधर। आपको नहीं लगता ये एंगल थोड़ी सी जो यहाँ पर है, ये एंगल थोड़ी थीटा से छोटी होगी, ये थोड़ा बेंड होता जा रहा है, तो ये एंगल हम मान रहे हैं अल्फा। तो और इस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, हमें नहीं पता वेलोसिटी क्या है। तो जब हमने मोशन स्टार्ट किया था उस टाइम पर हमारी वेलोसिटी थी यू, यहाँ पर हम वेलोसिटी मान लेते हैं अपनी वी, ठीक है। तो सेम वेक्टर कंपोनेंट के हिसाब से क्या होगा यहाँ पर वेलोसिटी, ये हो जाएगा वी कॉस ऑफ अल्फा, और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा वी साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। हम थोड़े और ऊपर जाते हैं, आपको क्या दिख रहा है, एंगल कम हो रही है, ये बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग होते होते एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पर टॉप पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का, अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी को टेंजेंट की तरह दिखाएं तो वो टेंजेंट कैसे जाना है, वो टेंजेंट जाना है एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ठीक पैरेलल। ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ से रिटर्न जर्नी शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये ट्रैक कैसे बना, आप रियल लाइफ इमेजिन करो, आप एक पत्थर फेंको एक एंगल पर, वो पत्थर कैसा होता है, वो कुछ ऐसे ही रास्ता जाता है, आप जो पत्थर फेंकते हो वो ऐसा तो नहीं होता ना, हमेशा ऊपर चला जाएगा, वो थोड़ा दूर तक ऊपर जाता है फिर फाइनली आकर के बेंड कर जाता है। तो कुछ ऐसे ही ट्रैक होता है, तो एक टॉप मोस्ट पॉइंट आता होगा ना जहाँ से वो बेंड करना शुरू करता है, हम उसी पॉइंट पर हैं। उस पॉइंट पर टेक्निकली क्या हुआ, वेलोसिटी अगर हम देखें तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट सीधा ऐसा आता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि वाई कॉम्पोनेंट क्या हो गया, वाई कॉम्पोनेंट खत्म हो गया उस टाइम पर, वाई कॉम्पोनेंट क्या हो गया, वेलोसिटी अलॉन्ग वाई टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या हो गई, जीरो। अब हमने वन डायमेंशनल मोशन सीखा है, वन डायमेंशनल मोशन अलॉन्ग वर्टिकल लाइन, वन डायमेंशनल मोशन अलॉन्ग वर्टिकल लाइन में क्या होता था, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती थी। तो ये बस वही तो चीज़ हो रही है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी जीरो हो गई। तो वन डायमेंशनल मोशन हमने क्या सीखा था कि अगर मान लीजिए हम 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 की वेलोसिटी से फेंकते हैं, थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 50, थोड़ी देर के बाद हो जाएगी 20, एक टाइम ऐसा है जब वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। उसी पॉइंट के बाद क्या होता है, उस पॉइंट के बाद रिटर्न जर्नी शुरू हो जाती है, सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग ग्रेविटी काम कर रही है, वो ग्रेविटी धीरे धीरे वेलोसिटी अलॉन्ग वाई को कम करती जा रही है, और फाइनली एक पॉइंट पे आके हो जा रहा है वो जीरो। अगर हम एक्स एक्सिस को स्टडी करें तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियली तो हमारी वेलोसिटी क्या थी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया यू कॉस थीटा, ठीक है। मुझे बताइए व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। अगर कुछ नहीं कहा है नेचर में, अगर कुछ भी नहीं मेंशन है, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, कुछ भी नहीं अगर है तो दैट विल बी जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग हमेशा एक फोर्स रहती है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से हमेशा क्या होगा, हमेशा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन मेंटेन रहता है। उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, उसी को तो हम जी कहते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में होता था तो हमारा रेफरेंस फ्रेम क्या था कि हम ऊपर को प्लस मानते थे और नीचे को माइनस, तो जो भी वेक्टर नीचे की तरफ है उसको हम नेगेटिव लेते थे। हमने सारा वन डायमेंशन मोशन इसी पर किया, सीखा है। तो हमारा ए वाई क्या हो जाएगा, बेसिकली ए वाई हो जाएगा आपका जी, विच इज़ इफेक्टिवली वॉट, माइनस टेन कहें, या इसको मैं माइनस जी भी लिखूंगा, एक ही बात है मतलब। तो जी की वैल्यू जस्ट आपकी माइनस टेन है यहाँ पर, माइनस क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो इसी लॉजिक के हिसाब से आप सोचिए कि जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो है
तो एक्स एक्सिस के अलावा अगर हम टर्म लिखें कि लेट से व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो वी एक्स क्या होगा, वी एक्स विल बी यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। चूंकि ए एक्स क्या है, जीरो है, यानी कि ये टर्म क्या हो गया, सीधा जीरो। मतलब वी एक्स क्या हो गया आपका, वी एक्स इज जस्ट इक्वल टू यू एक्स। तो वहां से हमने क्या सीखा, हमें वहां से ये बात समझ में आई कि एक्स के अलॉन्ग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होना है वो हमेशा क्या रहना है, हमेशा कांस्टेंट रहना है, फिक्स्ड रहना है। जितना भी इनिशियल वेलोसिटी होगी अलॉन्ग एक्स, यही आपका यू एक्स है ना, यू कॉस थीटा, एग्जैक्टली उतनी ही वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर होगी अलॉन्ग एक्स। तो एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी आपकी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। जितना हम इनिशियली पॉइंट स्टार्ट करेंगे हर पॉइंट पर सेम रहना है। यानी कि ये जो वी कॉस अल्फा था, दिस विल बी मैग्नीट्यूड वाइज जस्ट इक्वल टू वॉट, इट विल बी जस्ट इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और यहाँ पर भी जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारे पास जो सिर्फ एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी दिखाई दे रही है, ये मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगी, जस्ट यू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। हम इसकी बात के बारे में डिस्कस करेंगे, तो भी फिलहाल हम जस्ट एसेंट का देखते हैं जब हम ऊपर जा रहे हैं, ओके। तो यानी कि हमने क्या सीखा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टॉप पॉइंट तक हर इंस्टेंट पर एक्स के अलॉन्ग जो वेलोसिटी रहनी है दैट शुड बी कॉन्स्टेंट, विच इज जस्ट यू कॉस ऑफ थीटा। वाई के लॉन्ग अगर क्या है, वाई के लॉन्ग आपको दिखाई दे रहा है, वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई क्या है, -10, यानी कि नीचे की तरफ। तो इसीलिए जब पार्टिकल ऊपर जाना शुरू किया, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता गया वैसे वैसे ये जो बेंड हो रहा है वेक्टर, ये क्या शो कर रहा है कि वाई के लॉन्ग कॉम्पोनेंट हमारा कम होता जा रहा है। तो जब स्टार्ट हुआ था तो वाई के लॉन्ग कॉम्पोनेंट काफ़ी था, वो कितना था, यू साइन ऑफ थीटा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो आपको दिख रहा है ये बेंड हो रहा है, बेंड होते होते फाइनली और बेंड हुआ और फाइनली ये पैरल हो गया। तो बेसिकली बेंड होने से क्या हुआ, ये टोटल का टोटल एक्स के लॉन्ग टर्न होता गया, मतलब वाई का कंपोनेंट हमारा कम होता गया, इसीलिए वाई के लॉन्ग वेलोसिटी हमारी घट रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई इज -10। तो अगर हमें इक्वेशन लिखना है वाई के लिए, तो हम वाई के लिए इक्वेशन में क्या लिखेंगे कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से यू वाई क्या हमारा, यू वाई इज यू साइन थीटा, तो हम लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, ठीक है। तो सिंपली क्या दिखाई दे रहा है कि वाई के लॉन्ग वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है विथ टाइम, ओके। तो आई होप आप अभी तक फॉलो कर पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में और एक्स एंड वाई को सेपरेटली समझते हैं, ठीक है। ओके, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम अगर सेपरेटली इक्वेशन लिखेंगे, एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है कि सीधा वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, फाइन। वही अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग लिखें, तो ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि कोई भी टू डायमेंशनल मोशन जब होता है तो हम उसको एक्स को अलग सॉल्व कर सकते हैं, वाई को अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो वाई के लॉन्ग हम इक्वेशन लिख रहे हैं। मुझे बताइए कि वाई के लॉन्ग हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। हमें इतना अब तक समझ में आ गया कि वेलोसिटी अलॉन्ग वाई घटते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर वेलोसिटी अलॉन्ग वाई विल बिकम जीरो, और उसी पॉइंट के बाद नीचे उतरने की प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ तक पहुँचने में टाइम क्या लगा पार्टिकल को, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में अगर टाइम मान लीजिए टी लगा, तो ये टी क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, वहाँ पे वी वाई को हम क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी अलोंग वाई क्या हो रही है इस पॉइंट पे, जीरो हो रही है। तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ से टी क्या आ गया, हमें टी हमें आ रहा है यू साइन थीटा बाई जी। तो ये टाइम क्या हुआ, ये नीचे से ऊपर जाने का टाइम हुआ, तो इसको कह सकते हैं क्या, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ ऊपर जाने की जर्नी देखी। हमने क्या सीखा अभी फिलहाल, हमने ये सीखा कि हर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी अलोंग एक्स है वो मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है, क्योंकि वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स बिकॉज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इज जीरो। और हर इंस्टेंट पर धीरे धीरे ऊपर जाते हुए वेलोसिटी अलोंग वाई कम होती जा रही है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, फाइन। तो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी वी वाई हमें मालूम है कि वो जीरो ही होना है, तभी जाकर रिटर्न जर्नी शुरू होगी। अगर ये जीरो नहीं होगा यहाँ पर, तो ये फर्दर और ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर नहीं जा पा रहा, अब रिटर्न जर्नी शुरू हो रही है। दिस इज द एविडेंस कि यहाँ पर वेलोसिटी अलोंग वाई जीरो हो चुकी है,
अब जब रिटर्न जर्नी शुरू हो रही है तो आप देखिए रिटर्न जर्नी में क्या होगा, रिटर्न जर्नी के टाइम पर वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, फाइनली बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ऐसा। तो जब ये नीचे उतर रहा है तो इस टाइम पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस टाइम पे भी इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स के लॉन्ग भी होगा वाई के लॉन्ग भी होगा। हमने क्या सीखा कि वी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू यू एक्स, यानी कि जो भी ये कॉम्पोनेंट होना है ये मैग्नीट्यूड वाइज क्या होना है, यू कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, यहाँ पर भी जो भी कॉम्पोनेंट होना है वो एक्स के लॉन्ग क्या होना है, यू कॉस ऑफ थीटा के बराबर। तो सिंपल सी बात है कि जब ये लैंड भी किया होगा, वापस से लैंड जब भी किया होगा तो उस टाइम पर भी एक्स क्या हुआ होगा, एक्स इज जस्ट यू कॉस ऑफ थीटा। अब हम सोचते हैं वाई के बारे में, वाई में क्या हुआ होगा, जब ये नीचे उतर रहा है तो डिसेंट टाइम के अलोंग वेलोसिटी अलोंग वाई क्या है, नीचे की तरफ है, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई क्या है, वो भी तो नीचे की तरफ है ना, वो तो हमेशा ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करती है। तो हमने सीखा था ना वन डायमेंशन के टाइम कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी घटती है, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो वापस से बढ़ता है, या आई होप हम सबको याद हो। तो इस बार भी क्या होना है, इस बार भी जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वापस से क्या होगा, वापस से वेलोसिटी अलोंग वाई का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आप सोचिए कि ये बढ़ के फाइनली जब ये लैंड करने वाला होगा उस टाइम पर वेलोसिटी अलोंग वाई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जब ये वापस से लैंड करने वाला होगा, तो जब वापस से लैंड करने वाला होगा उस टाइम आप खुद सोचिए कि वेलोसिटी अलोंग वाई का मैग्नीट्यूड क्या होगा। आपको मैंने वन डायमेंशन के टाइम कुछ कहा था कि जिस वेलोसिटी से हम पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं एग्जैक्टली उसी वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से पार्टिकल ज़मीन पे वापस लैंड करता है। अगर हमने वी से ऊपर फेंका है तो इस बार माइनस वी से लैंड करेगा। तो जो वन डायमेंशन मोशन की प्रॉपर्टी है अलॉन्ग वाई एक्सिस वो तो एकदम इंटैक्ट रहेगी ना दोस्त, क्योंकि वो वन डायमेंशन मोशन कौन डिसाइड कर रहा था, ग्रेविटी डिसाइड कर रही थी। यहाँ पर भी जो इसके अलॉन्ग वाई के अलॉन्ग का मोशन है वो कौन डिसाइड कर रहा है, ग्रेविटी डिसाइड कर रही है। तो उस लॉजिक से जब ये लैंड करने वाला होगा उस टाइम पर वर्टिकल के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी, जितनी इनिशियल के अलॉन्ग थी सिर्फ उसका माइनस, माने कि माइनस ऑफ यू साइन थीटा। ये वेलोसिटी कब होगी, जब वो फाइनली लैंड करने वाला होगा। तो इस लॉजिक से हमें एक और चीज़ हम समझ सकते हैं कि हमने आपको ये भी बताया था कि जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो इस चीज़ को अगर हमको रियलाइज़ करना है, हमें चेक करना है कि ये चीज़ यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मुझे बताइए कि जब ये पार्टिकल पूरा मैक्सिमम हाइट पर जाके वापस से ग्राउंड पर आ गया, तो जब ये वापस से ग्राउंड पर आया तो उस टाइम पर इसका नेट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई क्या हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई सोच के बताइएगा, मतलब बता तो आप मुझे नहीं पाइएगा, बस सोच के रखिए कि नेट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई क्या हुआ, यानी कि वाई के लिए क्या था इनिशियल कोऑर्डिनेट, क्या था वाई के लिए इनिशियल कोऑर्डिनेट होगा जीरो कॉमा एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। जब ये कुछ यहाँ पहुँचा तो वो क्या दिखाई दे रहा है, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आया है, नेट डिस्प्लेसमेंट फाइनली लैंड करने के बाद वो आया कुछ एक्स कॉमा वाई क्या है जीरो। तो इनिशियली भी वाई जीरो था, फाइनल भी वाई जीरो है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई क्या है, वो जीरो है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई को हम लिख सकते हैं यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, सिंपल हमारा इक्वेशन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई क्या आ रहा है, वो आ रहा है जीरो। यू वाई क्या है, दैट इज यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी बाई टू लिख सकता हूँ ए वाई को इंटू टी स्क्वायर। ये टी ए कैंसिल होगा तो टी क्या आपका आ रहा है, यहाँ से आपका टी आ रहा है टू यू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्या सीखा है अपने आपसे कि ये जो टाइम है ये यहाँ तक पहुँचने का टाइम है टोटल, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी जर्नी का जो टाइम है दैट इज़ टू यू साइन थीटा बाई जी। इस टाइम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, तो इसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। एक प्रोजेक्टाइल को अगर हमने जब फेंका था तो वो कितनी देर तक के लिए टोटल हवा में रहा, यानी कि वापस से लैंड करने से पहले, वो हमें आ गया टू यू साइन थीटा बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन देखिए ये फॉर्मूला वगैरह जो होते हैं ये ठीक है, मतलब अच्छा लगता है सुन करके देख करके और आदमी याद भी रख लेता है, मगर एक फ्रैंक बात आपको बताऊँ तो एग्ज़ाम में ये फॉर्मूले डायरेक्ट उतना काम नहीं करते हैं, एग्ज़ाम में काम करता है कंसेप्ट। तो आप कंसेप्ट समझने की कोशिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट से कीजिए, ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, दो सेकंड लगता है यहाँ से आने में। तो कंसेप्ट क्या वो रियलाइज़ कीजिए यहाँ पर,
जब पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे थे इसकी वेलोसिटी घटती जा रही थी, वापस से जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो फिर से क्या हो रहा है, इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। एक्स हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि वी एक्स इज सेम एज यू एक्स। वी वाई के साथ क्या हुआ, वो पहले नीचे से ऊपर जाने के टाइम में घटता गया, फिर ऊपर से नीचे आने के टाइम में वापस से बढ़ता गया। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एक वन डायमेंशनल मोशन के टाइम होता है। नीचे से ऊपर जाने का जो सिर्फ टाइम था, इसको मैं टी हाफ से ऐसे डिनोट कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो ना, कि हाफ ऑफ जर्नी के लिए, आधी जर्नी तो यहीं तक है ना, सिंपली दिखाई दे रहा है ये तो हाफ पार्ट है। तो आधी जर्नी के लिए टाइम क्या दिखा आपको, यू साइन थीटा बाई जी दिख रहा है, और टोटल जर्नी के लिए टाइम क्या दिख रहा है, टू यू साइन थीटा बाई जी दिख रहा है। यानी कि इससे बात क्या क्लियर हो रही है, जो अभी मैंने आपको कहा था कि टाइम ऑफ एसेंट इज जस्ट हाफ ऑफ टोटल टाइम, मतलब टाइम ऑफ एसेंट इज सेम एज टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम इसको नीचे से ऊपर जाने में लगेगा, उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा। ठीक है, यही मैं चेक करना था। हो गया चेक कि टाइम ऑफ एसेंट इज सेम एज टाइम ऑफ डिसेंट, जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में, उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में। तो नीचे से ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज़ यू साइन थीटा बाई जी, यानी कि ऊपर से नीचे आने में भी वही क्या टाइम लगेगा, यू साइन थीटा बाई जी। तो आपके वन डायमेंशन मोशन की जो थ्योरी है पूरी इंटैक्ट रही। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि ये v से अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, वर्टिकल वेलोसिटी v अगर है वो क्या है यहाँ पर, दैट इज़ u साइन थीटा, उतनी ही वर्टिकल वेलोसिटी से नीचे आता है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। तो वो वापस से क्या यानी कि आएगा, माइनस ऑफ u साइन थीटा। तो चूंकि दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, x भी सेम है u cos थीटा, यहाँ भी u cos थीटा, y भी सेम है u sin थीटा, यहाँ भी u sin थीटा, तो बेसिकली ये जिस एंगल पर लैंड किया होगा, मैं थोड़ा इसको ऐसे बड़ा सा बना रहा हूँ, जिस एंगल पर ये वापस से लैंड किया होगा वो भी एंगल क्या होगी, वापस से सेम। यानी कि जिस वेलोसिटी से हमने फेंका उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम रह गए। तो उससे क्या होगा, मैं उससे ये होगा कि यहाँ पर वापस से वो सेम एंगल पर लैंड करेगा। मैं इसी चीज़ को आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ। सो बेसिकली क्या हुआ कि जब ये लैंड किया तो उस टाइम पर एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी भी क्या रही, सेम, क्योंकि हर जगह एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी सेम है, दैट इज़ यू कॉस थीटा। और वाई के लॉन्ग वेलोसिटी क्या रही जब ये लैंड करने के टाइम पे, वो भी क्या होगी, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से हम ऊपर पर फेंकते हैं वाई के लॉन्ग, उतनी वेलोसिटी से कोई चीज़ नीचे आती है, बस डायरेक्शन उसका ऑपोजिट रहता है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, जस्ट डायरेक्शन वाइज क्या हो जाएगा, माइनस। तो यानी कि अगर इस वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा तो ये जो वेलोसिटी है फाइनली उसका एक कंपोनेंट है यू साइन थीटा और एक कंपोनेंट है यू कॉस थीटा। तो सिंपली इन दोनों कंपेयर कीजिए तो क्या दिखता है कि ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर जब एंगल थीटा था, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर भी एंगल क्या होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए। तो वर्टिकली अपोजिट साइड से एंगल से ये भी एंगल क्या होनी चाहिए, थीटा ही होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आ गया कि जिस एंगल पर हम पार्टिकल को फेंकेंगे एग्जैक्टली उसी एंगल पर पार्टिकल वापस से लैंड करता है। जितनी हमने x के लॉन्ग वेलोसिटी दी है हर इंस्टेंट पर, हर इंस्टेंट चाहे कोई भी पॉइंट हो, हर इंस्टेंट पर x के लॉन्ग वेलोसिटी क्या रहती है, उसकी सेम रहती है। y के लॉन्ग वेलोसिटी ऊपर जाने के टाइम घटती जाती है, फाइनली एक पॉइंट पे आके जीरो हो जाती है। जिस पॉइंट पर y की वेलोसिटी जीरो होती है उसी पॉइंट पर रिटर्न जर्नी शुरू होती है। जब रिटर्न जर्नी शुरू होती है तो फिर से y के लॉन्ग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, लेकिन उसका डायरेक्शन कम ऑपोजिट हो जाता है। फाइनली आकर के वो जब लैंड करता है तो एग्जैक्टली उसी मैग्नीट्यूड पे लैंड करता है जिस मैग्नीट्यूड पर उसको हमने ऊपर फेंका था। और इस पूरे जर्नी में जो टाइम लगता है दैट इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज़ टू यू साइन थीटा बाई जी। देखिए मेरा फोकस ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना इम्फोसिस नहीं है, ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मूले को जब निकालना होगा हमें क्या करना है एग्जाम में, कि टोटल जर्नी हमको दिख रही है कि टोटल जर्नी में नेट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई है जीरो। तो सीधा हम वहाँ पर ये एक्सप्रेशन लगाएंगे, बिकॉज ये तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है जो कि हमें आती है, सीधा इसमें यू वाई पुट करेंगे जो कि यू साइन थीटा होना है, ए वाई पुट करेंगे जो कि माइनस जी होना है, सीधा आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम को ये निकालने की कोशिश करना है, ये जानना है कि ये जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया तो फाइनली इसने एक्स के लॉन्ग इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया। तो एक्स के लॉन्ग जो इसमें डिस्प्लेसमेंट आया वो हमको निकालना है। तो पैरेलली हमारे पास क्या इक्वेशन है, हम सिंपली इक्वेशन लगा सकते हैं x के लिए, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया जा चुका है कि तीनों इक्वेशन जो है वो x और y दोनों में यूज़ किए जा सकते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग x, एक्सेलरेशन अलोंग x इज जीरो, इसी पर तो हमारा डिस्कशन शुरू हुआ। तो ये टर्म सीधा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये टाइम क्या होगा, जितना टाइम इसके पास है मूव करने के लिए, तो ये टोटल टाइम क्या लेंगे, टोटल टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट जो अभी हमने निकाला। तो एस एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी यू cos ऑफ थीटा इंटू टाइम की जगह पर टू यू
साइन ऑफ थीटा बाई जी। इसी को हम कहते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस को ही हम कहते हैं रेंज, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। यहाँ पर एक टर्म देखिए आपका टू है, एक साइन का टर्म है, एक कॉस का टर्म है, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आप अप्लाई किए जाएंगे तो यू स्क्वायर हो जाएगा इन टू साइन टू थीटा बाई जी, ये आपका हो जाता है रेंज। ठीक है, तो रेंज अगेन फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला कैसे आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग जो वाई अलॉन्ग जो एक्स एक्सिस है, उस डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स हमारी कांस्टेंट है। तो जब पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका तो वो ऊपर गया, उसको टाइम लगा, फिर वो ऊपर जा करके नीचे आया, उसको फर्दर टाइम लगा, तो जब तक वो हवा में था उसी बीच में एक्स की वजह से वो क्या हुआ, वो इधर मूव करता रहा ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स उसको एक्स एक्सिस वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ड्राइव करता रहा, तो फाइनली वो यहाँ पहुँच गया। तो वो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स कांस्टेंट है, इसलिए जस्ट यू कॉस थीटा, टाइम हमने यहाँ से निकाला था टू यू साइन थीटा बाई जी, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स का टर्म की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आपको रेंज आ गया। इस चीज़ को मैं ऐसे कहूँ तो क्या हुआ था, जब हम वन डायमेंशनल मोशन देखते थे ऊपर की तरफ, सीधा ऊपर फेंकते थे तो पार्टिकल सीधा ऊपर जाती थी, अभी हमने क्या किया, मैंने एक एंगल पर फेंका, जब हमने एंगल पर फेंका तो ये ऊपर भी गई साथ में इधर भी आई, तो बेसिकली जब आपने एंगल पर फेंका तो आपने वेलोसिटी दे दी कुछ अलॉन्ग एक्स भी, तो जितना टाइम के लिए पार्टिकल हवा में जाता था ऊपर, उसको ऊपर जाने में जितना टाइम लगता था उतना ही टाइम उसको ऊपर से नीचे आने में लगता था, ये टोटल टाइम अगर हम कहें कैपिटल टी, तो अब क्या है, चूंकि आपने वेलोसिटी दे दी अलॉन्ग एक्स, तो उसी टाइम का इस्तेमाल करके ये एक्स क्या करेगा, ये एक्स इसको एक्स के अलॉन्ग ड्राइव करके थोड़ा आगे भी लेके चला जाएगा, तो ऊपर जाने के साथ साथ ये थोड़ा पार्टिकल एक्स की वजह से वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स की वजह से आगे भी चला गया, इसलिए आपको यहाँ से मिल गया रेंज। ठीक है, अब आई होप अगर आप आपके सामने जो स्क्रीन पर चीज़ें हैं उनको फिर से आप एक बार खुद से देखिए और एकदम माइंड में रियलाइज़ कीजिए कि आपको खुद समझ में बात आई है कि नहीं आई है, फिर जब बात समझ में आ गई तो आप इस वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं, मतलब आप खुद ट्राई करें कि इस पूरे जर्नी में जो मैक्सिमम हाइट ये अचीव कर पाएगा ये पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो मैक्सिमम हाइट ये अचीव कर पाएगा, मतलब मैं अगर सोचा इसे डॉटेड से ड्रॉ करूँ तो ये मैक्सिमम हाइट क्या होगी ना इस वाई के लॉ, ये आप मुझे बताइए ज़रा। आप वीडियो पॉज करें और आप इस खुद चीज़ को खुद ट्राई करें निकालने की। ओके, सो आई होप आपने ट्राई किया हो। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इस पूरे जर्नी में, मैं मतलब इसी डायग्राम को यहाँ पर छोटे से दिखा रहा हूँ, कि अगर हमने थीटा एंगल पर फेंका था पार्टिकल को तो इस पूरे जर्नी में जो मैक्सिमम हाइट अचीव किया होगा ये एच क्या होगा। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, वो बेसिकली हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, वो हम हाइट निकालने के बाद हम वाई एक्सिस सॉल्व कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है अलॉन्ग वाई, वेलोसिटी हो जाती है अलॉन्ग वाई जीरो। देखिए दो इन्फॉर्मेशन आपका हमेशा इंटैक्ट है, एक तो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अलॉन्ग वाई जीरो और दूसरा कि पूरे जर्नी के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई इज जीरो। ये पूरे जर्नी के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई इज जीरो का इस्तेमाल करके हमने क्या किया था, तभी तो हमने निकाला था ये टाइम उसी इक्वेशन से। अब इस पॉइंट पर कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अलॉन्ग वाई जीरो हो जाती है, तो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन है जो कहता है वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस अलॉन्ग वाई। तो वी वाई स्क्वायर क्या है, दैट्स जीरो, यू वाई क्या है, दैट्स यू साइन थीटा इसका स्क्वायर माइनस टू जी, इसी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई को मैं नाम देता हूँ लेट्स से एच। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि एच हमें आ जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी। तो ये तीन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, कि एक तो है मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा दैट इज डिनोटेड बाई एच, दूसरा कि ये रेंज क्या कवर किया यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टोटल लेंथ हुआ दिस इज योर आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल टाइम लगी दैट इज योर कैपिटल टी, और ये मैक्सिमम हाइट जो कवर किया यहाँ से लेकर यहाँ तक का दैट इज योर एच। ठीक है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन कि ये तीन फॉर्मूले, इनसे लाइफ उतनी आसान नहीं होगी। ठीक है, इनसे सिंपल क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन जो जेई आईआईटी के जो एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूले से नहीं बनते हैं, वो कंसेप्ट से बनते हैं। कंसेप्ट हमारा क्या क्या है, मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स हर जगह सेम रही क्योंकि एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स वॉज जीरो, वेलोसिटी अलॉन्ग वाई ऊपर जाने के टाइम कम होती गई क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम कर रही थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अलॉन्ग वाई जीरो हो गई, फिर से रिटर्न जर्नी जब शुरू हुआ तो वेलोसिटी अलॉन्ग वाई नेगेटिव हो गई मगर इसका मैग्नीट्यूड फिर से बढ़ने लगा,
जिस एंगल पर हमने फेंका था उसी एंगल पर वापस जाके ये लैंड हुआ, और एक्स लैंड के टाइम पर एक्स तो सेम रहना ही था, वाई के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड सेम था, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। और इन्हीं इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके कि नेट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई ज़ीरो, हमने टाइम निकाला, उस टाइम को हमने वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी टाइम को जो टाइम जितना देर वो हवा में था उस टाइम को हमने वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया रेंज। और फिर वाई के अलॉन्ग हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी कि वी वाई ज़ीरो, उसको हमने वाई के अलॉन्ग थर्ड इक्वेशन न्यूटन्स इक्वेशन लिख करके हमने क्या निकाल लिया कि वॉट विल बी द मैक्सिमम हाइट दैट इट कवर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या चीज़ें होती हैं। अभी हमें प्रोजेक्टाइल पर आगे काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं, ये तो बस एक स्टैंडर्ड सिचुएशन हुआ, एकदम स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल का, और ये जो तीन फॉर्मूलेज हैं ये सिर्फ स्टैंडर्ड सिचुएशन में पॉसिबल है। अभी इसके जितने भी केसेस होंगे वो हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। जस्ट अभी मैं जिस क्वेश्चन पर हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था उस क्वेश्चन के आंसर पर एक बार आता हूँ ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या जब हम बस में हैं और हमने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका तो क्या वो हमें वापस मिलेगा, उस सिचुएशन में जब बस खुद 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और हमने ऊपर फेंका है 5 मीटर पर सेकंड। तो आई होप अब हम समझ गए हैं कि ये पार्टिकल किधर जाएगा, ये पार्टिकल जाएगा बेसिकली प्रोजेक्टाइल पाथ पे, ठीक है, जो कि हमने दो वेलोसिटी दी, तो ये ऊपर भी जाएगा आगे भी जाएगा, एक टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँचेगा, वहाँ पर इसकी वेलोसिटी अलॉन्ग वाई हो जाएगी ज़ीरो, और फिर वहाँ से रिटर्न जर्नी शुरू। तो जब इसकी रिटर्न जर्नी शुरू होगी तो उस टाइम पर ये यहाँ पहुँचेगा। अब सवाल ये होता है कि जब आप भी उसी टाइम पर यहाँ हो तब तो आपके हाथ में बॉल आएगी वापस, तो अब आप सोचिए कि क्या आप होंगे उस टाइम पर या नहीं होंगे। तो हमने क्या कहा था, जब बॉल हवा में गई है तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया उसने एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी कैरी कर ली, तो हमने सीखा है ना कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स क्या होता है, वो होता है ज़ीरो, मतलब हर इंस्टेंट पर उसकी एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी कैरी होगी 20, हर इंस्टेंट पर, यहाँ भी 20, जब वो वापस से लैंड किया उस टाइम पर भी एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी 20। और आप क्या हैं, आप उसी बस में बैठे हुए हैं ना, तो अगर हम मान लें कि बस के ड्राइवर साहब ने ना कोई एक्सेलेटर पे पैर रखा ना कोई ब्रेक पे पैर रखा, तो आपकी भी वेलोसिटी क्या है हर इंस्टेंट पर 20, मतलब आपकी और आपने जो बॉल को फेंका ऊपर फेंका उन दोनों की एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी सेम है। तो मुझे बताइए कि जब ये यहाँ पहुँचा तो इसको यहाँ से आने में टोटल टाइम लगा, मान लीजिए कैपिटल टी, जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने सीखा अभी, तो जितना टाइम इसके पास था यहाँ तक आने में माल आप बॉल के पास, उतना ही टाइम आपने भी तो मूव किया ना, क्योंकि आपने एक साथ आपने एक टाइम पर बॉल को ऊपर फेंका वहाँ से जर्नी शुरू हुई, तो उतना ही टाइम में आप यहाँ पहुँचे जितना टाइम में ये बॉल यहाँ पहुँचा, तो टाइम कॉमन है। बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई किया, सिंपल अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई बॉल का ज़ीरो, तो यानी कि बॉल का डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स क्या हुआ, दैट विल बी सिंपली रेंज ऑफ द बॉल, वो क्या होगा, दैट विल बी वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स इनटू टाइम जो अवेलेबल है, और एक्सेलरेशन का टर्म हमको पता है वो क्या होता है, वो ऑलरेडी ज़ीरो होता है, तो ये टर्म तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, दैट इज़ ऑलरेडी ज़ीरो, यानी कि ये रेंज क्या हो गया, दैट इज़ जस्ट वी एक्स इंटू टी। तो आपका और उस बॉल का दोनों के पास सेम टाइम है, और आपका और उस बॉल का दोनों की वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स भी क्या है, सेम है, चूंकि वो 20 वेलोसिटी से ही कैरी हुआ था, तो हर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स रही 20, और आप भी उसी बस से बैठे हुए थे और बस के ड्राइवर साहब ने ना ब्रेक लगाया ना एक्सेलेटर, तो आपकी भी वेलोसिटी क्या रही 20, यानी कि दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, सेम होगा, तो इसीलिए बॉल वापस आपके बराबर हाथों में आ जाएगी। ठीक है, अब दो केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, बहुत सिंपल सा है, दो केसेस जो हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस ये हो सकता है कि बस के ड्राइवर साहब ने एक्सेलरेट कर दिया बस को, अगर बस को एक्सेलरेट कर दिया तो एक बार जब बॉल हवा में है तो वो तो बस के कांटेक्ट में नहीं है, मान लीजिए बस यहाँ पर थी, बॉल यहाँ पर थी, बस के ड्राइवर साहब ने बस को एक्सेलरेट कर दिया, तो बॉल तो बेचारी हवा में है, उसकी वेलोसिटी तो क्या है 20, जिस टाइम पर वो डिपार्ट की, बस के ड्राइवर साहब ने वेलोसिटी कर दी बस की 20 से बढ़ा करके मान लीजिए 25, यानी कि आपकी वेलोसिटी क्या रही, आप तो उसी बस में है ना, आपकी वेलोसिटी हो गई 25, लेकिन उस बॉल की वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स क्या रही, उस बॉल की वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स रही 20 मीटर पर सेकेंड, वो उसी वेलोसिटी से अभी भी आगे आता रहा, लेकिन आपकी वेलोसिटी हो गई 25, यानी कि अब इस केस में जो आपका रेंज होगा, रेंज ऑफ मैन, वो क्या होगा, दैट विल बी 25 इंटू टाइम टी, तो यानी कि आपका रेंज बॉल के रेंज से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, बॉल आपके पीछे आके गिरेगी,
आप आगे चले गए। कब? जब ड्राइवर साहब ने एक्सेलरेट कर दिया बस को। आई होप अगला केस आप खुद बखुद समझ गए होंगे कि अगर बस एक्सेलरेट होने की जगह पर ड्राइवर साहब ने ब्रेक पर पैर लगाया, यानी कि बस की स्पीड थोड़ी कम की, तो हो सकता है 20 पहले थी, घटा करके कर दी 15, लेकिन बॉल की तब भी क्या रही? बॉल की तब भी रही 20, बिकॉज बॉल को क्या मतलब है? बॉल तो हवा में आ चुकी है। अब बस की स्पीड हम बढ़ाएं घटाएं, बॉल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। जब आपके हाथ में बॉल वापस आएगी उसके बाद फिर बॉल की स्पीड पे चेंज आएगा, लेकिन जब तक बॉल हवा में है तब तक बॉल की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका जो रेंज होगा दैट विल बी लाइक 15 × t, विच विल समथिंग लेस दैन 20 × t। यानी कि इस केस में क्या होगा? इस केस में आप पीछे रह जाएंगे, बॉल आपके आगे जो सर बेचारा दोस्त बैठा हुआ है उसके सर पे आगे लग सकती है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से ऐसे बॉल से खेलना हो, इंश्योर किया कीजिए कि बस के ड्राइवर साहब ब्रेक या एक्सीलेटर पैर नहीं लगाएं। ओके, तो आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आई हों। अगर क्लियर नहीं हो दोबारा से इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं पहली बार, क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, बट चीज़ें ये सब अगर क्लियर हो गई तो आपका समझिए कि आपको पूरा टू डायमेंशनल मोशन पे कमांड आ जाएगा अच्छे से। ओके, आगे वाले लेक्चर में हम इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हर एक इंट्रिकेसीज को समझने की कोशिश करेंगे, एंड आई होप आप सबका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा फिजिक्स का। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।